नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल पे हम दोनों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं, जब अपना हमने घर बना लिया और घर बनाने के बाद फिनिशिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब कि अब हमें फ्लोरिंग करवाना है, घर का पेंट करवाना है, घर की वायरिंग करवानी है और ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे काम जो घर की फिनिशिंग की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन उठ करके आता है कि हम सबसे पहले फ्लोरिंग करवाएं, घर की फर्श पहले करवाएं या फिर हम पेंट पहले करवाएं। अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम पहले पेंट करवा लेते हैं फिर फ्लोरिंग करवा लेते हैं, या फिर पहले फ्लोरिंग करवा लेते हैं मतलब कि पत्थर या टाइल, क्योंकि लोगों का अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, बहुत लोग टाइल लगवाना पसंद करते हैं या पत्थर लगवाना पसंद करते हैं। तो पहले हम या टाइल या पत्थर लगवा लेते हैं, उसके बाद हम अपना पेंट कर लेंगे। अब ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि लोगों की लोग क्या लगवाना पसंद करते हैं और क्या लगाते हैं। तो ये जो कन्फ्यूजन है कि पहले हम पेंट करवाएं या फ्लोरिंग करवाएं, तो इसमें दिक्कत क्या है, करवाना क्या चाहिए, मैंने इसके ऊपर मैंने खुद भी कई वीडियोस देखी और मैंने जब खुद अपना जब कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करवा रहा था तो मैंने ये खुद से प्रैक्टिकली देखा। तो उसके बाद मैं उसी से रिलेटेड आपको राय दूंगा जो आपको अपने घर बनाते टाइम पे आपको बहुत आसान पड़ेगा कोई भी डिसीजन लेने में। इसका वैसे सिंपल आंसर तो ये है कि हमें सबसे पहले फ्लोरिंग करवाना चाहिए। सिंपल आंसर ये, चाहे वो आपका टाइल हो चाहे पत्थर हो, आप फ्लोरिंग करवाइए पहले, उसके बाद आप पेंट पे हाथ लगाइए। क्योंकि दोस्तों सीधा सीधा इसका आंसर इसलिए ये है कि अगर आप पहले फ्लोरिंग करवा लेते हो तो आपका दीवार में जो वो गंदी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, फ्लोरिंग में आपका नॉर्मली चाहे आप टाइल लगवाओ चाहे पत्थर लगवाओ तो वहां पे आपका सीमेंट डस्ट और पत्थर टाइल की फिनिशिंग में जो मशीन चलती है धूल उड़ता है और जो सीमेंट डस्ट यूज होती है वो सब उड़ करके आपके दीवार पे लग सकते हैं और दीवार काफी गंदा हो सकता है। ऐसे में लेबर मिस्त्री जो साथ में वहां काम कर रहे हैं वो आपके दीवार पे हाथ लगाएंगे और वो भी खराब हो सकता है और रिपेयर वर्क जो है वो आपका बढ़ सकता है। ऐसे में आपका अगर रिपेयर वर्क बढ़ गया तो खर्चा भी बढ़ गया। खर्चा में यहाँ पे छोटे छोटे खर्चे लगा करके बहुत घर बनाने में वही छोटे खर्चे बहुत महंगे और मोटे पड़ जाते हैं। अब मान लीजिए कि आपने किसी जगह पे पेंट करवाया और आपने फिर उसके बाद फ्लोरिंग करवाया, फ्लोरिंग में चाहे आपका टाइल जो भी पत्थर जो भी लगवा रहे हैं आप, तो वहां पे जो भी आपका लेबर मिस्त्री टाइल पत्थर काम करता है वो उसने हाथ रख दिया या तो उस जगह पे सीमेंट का निशान पड़ गया, तो उस सीमेंट के निशान को हटाने के लिए आपको दोबारा पेंटर दोबारा से आपका जो जिसको भी आपने पेंट का ठेकेदार ठेका दिया है उसको बुलाकर दोबारा से काम करवाना पड़ेगा। ऐसे में खर्चा भी बढ़ा और आपका जो पेंटर ठेकेदार है उसके साथ आपको मनाने के लिए आपको उसके हाथ पांव सब कुछ जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि छोटे छोटे मोटे काम के लिए कोई भी जल्दी ठेकेदार या पेंटर कोई भी आपका काम का जल्दी आएगा नहीं। और दूसरी बात, आप जब भी अपने टाइल या पत्थर काम करवाते हो तो उसके साथ ही अपने स्कार्टिंग का काम करवाते हो, जो कि घर के नीचे का 3 इंची का आप स्कार्टिंग लगवाते हो पेंट के साथ साथ में। तो दोस्तों वो स्कार्टिंग का काम जो है वो रिपेयर वर्क बड़ा काम होता है। अब वहां पे जब स्टार्टिंग का काम करवाओगे तो वहां फिनिशिंग अच्छी तरह से नहीं हो पाती, उसके ऊपर जो है एजेस छूट जाते हैं और काफी बार क्या होता है प्लास्टर करवाते टाइम पे हमें ये हमेशा ध्यान देना चाहिए कि नीचे का 3 से 4 इंची 5 इंची जो जगह है वो आपको छोड़ देनी चाहिए स्टार्टिंग के लिए, वहां पे प्लास्टर कंटिन्यू नहीं करवानी चाहिए। काफी बार क्या होता है प्लास्टर ऊपर से नीचे तक पूरी प्लास्टर करवा दिया जाता है और ऐसे में दिक्कत बाद में आती है कि वो उस जगह प्लास्टर जब स्टार्टिंग लगवाते हो तो प्लास्टर के ऊपर काफी बार जो आपका लेबर या मिस्त्री या पत्थर लगाने वाला वो स्कार्टिंग लगा देता है, जो कि आप बाद में निकल के गिरने का प्लस बहुत मोटा स्कार्टिंग दिखने का बहुत भद्दा लगता है देखने में। तो ये सब होता है। अब ऐसे में आप जो है पेंट करवा रहे हैं चाहे प्लास्टर करवा रहे हैं, तो पेंट करवा रहे हैं चाहे आप फ्लोरिंग करवा रहे हैं, तो इसमें आप एक बात का जरूर ध्यान रखें कि वायरिंग, घर की वायरिंग जो है इस बात को सबसे ये आप पहले जब आप प्लास्टर करवा लेते हैं उस टाइम पे ही घर की वायरिंग करवा ले। बहुत बार मैंने देखा है कि घर का पेंट करवाने के बाद या फिर घर का पेंट और फ्लोरिंग दोनों करवाने के बाद लोग वायरिंग करवाते हैं। ऐसे में छोटा मोटा टुटमुच आता है जो रिपेयर वर्क आता है उसमें बड़ी दिक्कत आ जाती है, वो देखने में बाद में भद्दा लगता है और जल्दी से उसको ठीक कराने के लेबर मिलते नहीं और मिलते हैं तो बहुत ज्यादा कॉस्ट जाती है उसको ठीक करवाने में। तो जिस टाइम आप प्लास्टर करवाते हो उस टाइम पे ही आप अपने घर का वायरिंग ढंग से करवा लें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपने वायरिंग करवा ली, उसके बाद आप जब आप अपना फ्लोरिंग जिस भी चीज का करवा रहे हो चाहे आप टाइल लगवा रहे हो चाहे आप पत्थर लगवा रहे हो जो भी चीज करवा रहे हो, तो वो आपने जब करवा लिया, करवाने के बाद आप उसके बाद पेंट करवाते हो तो उससे आपका बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। उसमें बस आपको थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखना, जब भी आप पेंट करवा रहे हो उसके बाद, तो ऐसे में आप जो भी घर के अंदर जो भी आपका यूज होगा चाहे वो आपका बांस का घोड़ी या फिर उसको जीना कहते हैं या फिर ऐसे में जो भी भाड़ा यूज करते हैं घर के अंदर,
तो वो सब चीजों में जो नीचे का जो पोर्शन है जो आपके फर्श पे टिकेगा उसमें आपका सॉफ्ट पोर्शन होना चाहिए, चाहे उसके नीचे आपका रबड़ लगा हुआ होना चाहिए या फिर उसके नीचे आपका नॉर्मली जो है वो बोरा लगा के आजकल काम करते हैं। तो इससे क्या होगा, जो भी आपका पत्थर, चाहे आपका टाइल लगा हो चाहे आपका पत्थर लगा हो, तो वो चीज जो होगी वो खराब नहीं होगी, वो टूटेगी नहीं जल्दी। तो आपका घर का जो पेंट है वो भी हो जाएगा। ऐसे में आप प्रिकॉशन पहले से ही ले सकते हो कि साथ में आप एक पतली पन्नी साथ में बिछा के चले, और साथ में आप ये भी कह सकते हो जो भी आपका पेंट वाला ठेकेदार है या पेंट जिससे आप करवा रहे हो कि आप साथ साथ में हमारा जो है सफाई करते हुए भी चलेंगे। ऐसे में दोस्तों फायदा बेनिफिट क्या होगा कि साथ साथ में आपका जो भी पेंट का दाग है वो आपके फ्लोर पे नहीं पड़ेगा और सफाई होते हुए चलेगी और काफी अच्छी फिनिशिंग भी साथ में हो जाएगी और इससे आपका पेंट भी अच्छा दिखाई देगा। बहुत बार लोग सजेस्ट करते हैं कि अगर वो आप पुट्टी लगाने वाले हो या पीओपी लगाने वाले हो तो नॉर्मली आप पुट्टी का एक कोट या पीओपी का एक कोट दो कोट पहले कर लीजिए, उसके बाद पेंट कीजिए, कलर कीजिए, जो भी आपका कलर लेना है वो भी एक अच्छा मेथड है। मगर आप जैसा आपको सही लगे वो कीजिए। मैंने यहाँ पे एक सिंपल मेथड बताया कि सिर्फ आपको यहाँ जजमेंट ये करनी है कि आपको पहले फ्लोरिंग करनी है या फिर आपको पेंट करना है। यहाँ पे आपके लिए आसान होगा कि पहले एक काम आपसे आप फ्री हो जाइए फिर दूसरे काम पे जाइए। फिनिशिंग में आपके छोटे छोटे काम में दिक्कतें आती हैं। काफी बार क्या होता है फिनिशिंग में बहुत छोटा वर्क के कारण और रिपेयर वर्क आ जाता है और उसमें आप वो छोटे रिपेयर वर्क को करवाने में बहुत दिक्कत आती है। मान लीजिए कि आपने, जैसे कि मैंने वायरिंग का बताया, वायरिंग में काफी बार पंखे के पास आपको वायर नहीं मिलती है या फिर कोई पाइप ब्लॉक हो जाती है, उसके चक्कर में हमें ब्लॉकेज तोड़ने के लिए वो तोड़फोड़ करना पड़ता है। वो आपने अगर आपने बाद में कराया तो वो कितना भद्दा लगेगा बाद में देखने में, उसको रिपेयर वर्क करवाने के बाद फिर सबको पेंट करवाना पड़ेगा उतना जगह पे और वो खर्चा, तो छोटा सा जगह का रिपेयर वर्क करवाने में बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ जाता है। तो सिंपल इस बात का आंसर ये था कि आप पहले फ्लोरिंग करवाएं या मतलब टाइल या पत्थर लगवाएं या फिर पेंट करवाएं, तो इसमें सबसे सिंपल आंसर है इसका, पहले आप फ्लोर करवाइए उसके बाद आप पेंट करवाइए, ये सबसे सिंपल आंसर है। इसमें आपका जो दोनों चीज, चाहे आपका फ्लोर हो चाहे आपका पेंट हो, दोनों की फिनिशिंग अच्छी आएगी और दोनों की खूबसूरती निकल के आएगी। अगर आपने फ्लोरिंग बाद में करवाई तो ऐसे में बहुत सारे रिपेयर वर्क और आपका पेंट भी खराब हो जाएगा, उसका जो रंग है उसका ग्लो जो है वो डल हो जाएगा। खासकर जब स्कार्टिंग वर्क होती है तो वहां पे बहुत ज्यादा रिपेयर वर्क आता है और ऐसे में आपका देखने में घर बहुत भद्दा लगेगा, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, यहां तक आपको नॉलेजफुल लगी तो लाइक जरूर करके जाएं। आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप लाइक नहीं करते वीडियो को, फटाफट से बहुत सारे लाइक कीजिए, 100 लाइक का एक टारगेट छोटा सा। और दोस्तों अभी 13,000-13,500 पे सब्सक्राइबर पहुंचे, इसको जल्दी से 20,000 पहुंचाने में हेल्प करें, फटाफट से सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में एक रुपया भी कॉस्ट नहीं लगता है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए वीडियो को, और शेयर करने के बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये फाइनल रिक्वेस्ट है। और दोस्तों जय हिंद जय भारत, जल्दी ही मिलते हैं अगली और ऐसी बहुत सारी नॉलेजफुल वीडियो में। दोस्तों ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है, चाहे तो नोटिफिकेशन बेल भी जरूर बजा लें। और दोस्तों कुछ आपको हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, इन सबके लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं कुछ अपने वीडियोस के अंश या कुछ वीडियोस रिलेटेड बातें डालता रहता हूं, तो आपको वहां फॉलो जरूर करना चाहिए मुझे। आप जल्दी मिलते हैं अगली और बहुत ज्यादा नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद जय भारत।